हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईडी ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्रोबेशन पीरियड अपनी जॉब चेंज कर सकते हो। और आपको बेस्ट जॉब के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगी और कैसे सबसे बेस्ट वे तरीके से विदाउट टेकिंग एनी एजेंट आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हो। तो इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा काम के होने वाली है ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कौन सी जॉब मिलेगी और कौन सी जॉब आपको करनी चाहिए। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो, यू कैन अप्लाई इन एमिरेट्स और एतिहाद में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एतिहाद में जैसे या तो ग्राउंड स्टाफ में अप्लाई कर सकते हो या फिर आप कैबिन क्रू के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिसकी सैलरी अप्रोक्स 10,000 दिरहम होती है। तो देख सकते हो आप 2.5 लाख रुपए इंडिया के इजीली अर्न कर सकते हो। अगर इसके अलावा ग्राउंड स्टाफ की भी जॉब कर सकते हो अप्लाई, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको emirates.career.com पे जाना है। वहां जाके अपना अच्छे से CV अपलोड करना है, सारी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी एक पूरी फोटो मांगेंगे, वो फुल साइज फोटो और साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, वो सब कुछ अप्लाई करने के बाद अच्छा CV इसके लिए होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक CV के बेस पे और आपकी फुल साइज फोटो के बेस पे ही वो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। जो फाइनल इंटरव्यू होगा वो बाद में होगा। तो अगर आपको अच्छा CV नहीं बनाना आता तो मैं इसके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है, मैं ऊपर यहाँ वहां मेंशन कर दूंगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। उसमें आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हो कि मेरे को कौन से कीवर्ड यूज करने हैं। अगर आप एक हॉस्पिटलिटी के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए कोई जॉब अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग एज ए सिक्योरिटी गार्ड, बट यू शुड मेंशन इट लाइक दैट यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ कस्टमर सर्विस। उनमें ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी जरूरी है। आप सिंपली लिख दोगे वर्क एज सिक्योरिटी गार्ड फॉर 2 ईयर्स, उससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए कीवर्ड्स यूज होंगे। जो कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसको आप गूगल पे भी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको CV बनाने में फिर भी कोई परेशानी आ रही है और वीडियो देख के भी आप CV नहीं बना पा रहे हो तो आपको नीचे नंबर मेंशन कर रखे हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट अस और हम आपके लिए एक अच्छा सा CV बना देंगे जिसके बिहाफ पे आप अप्लाई कर सकते हो बहुत सारी जॉब्स जो कि दुबई में निकलती रहती है। और इसके अलावा अगर आप कैबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ या एयरपोर्ट से अलग कोई और जॉब देखना चाहते हो, इन केस यू हैव एक्सपीरियंस इन IT फील्ड, होटल मैनेजमेंट कई लोगों ने कर रखी है और वो मजबूरन किसी भी तरीके से एक बार दुबई में एंट्री कर चुके हैं एंड नाउ दे वांट टू चेंज देयर जॉब, तो बहुत सारी जॉब्स आपको लिंक्डइन पे, Ved.com पे, NaukriGulf.com पे और डोबीजल पे, यहां वहां इतनी सारी जॉब्स मिल जाएगी विदाउट गिविंग एनी मनी। और मैं ये बात ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, जब मैं दुबई में रहता था मैंने बहुत सारी जॉब्स पे अप्लाई किया था। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हो किसी भी कंपनी में और अपनी जॉब स्विच करना चाहते हो, उसके लिए भी आपको बहुत सारी वैकेंसीज इन वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। इसका प्रूफ भी मैं आपको इन फ्यूचर दिखा दूंगा, मैंने पहले भी इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई है, बट अभी रिसेंट में कैबिन क्रू की जॉब बहुत ज्यादा डिमांड में थी और काफी लोग पूछ भी रहे थे, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी। मैंने खुद ने भी अप्लाई किया था और इंटरव्यू दिया था और सारी चीजें थी, वो आप हमारी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। तो अगर आपको 6 महीने पूरे हो चुके हैं कोई भी एक सर्टेन जॉब करते हो तो आप इजिली अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं। आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, आपकी अच्छी सी प्रोफाइल रेडी करवा के अलग अलग कंपनियों में अप्लाई करने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी बड़े आराम से, मैंने सारे प्रोसेस A to Z सब कुछ फ्री में YouTube पे अवेलेबल है और सारी वीडियो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जितनी भी वीडियोस दे रखी है उनको एक बार चेक कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। एक तो अपना CV अच्छे से रेडी रखो, एक फुल साइज फोटो अच्छे से बनवा के रखो, कोई कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे अच्छे से फोटो क्लिक करो अपनी पूरी और पीछे का बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो उसमें क्लोथिंग होगी वो मैटर करती है, तो इसलिए फॉर्मल में अच्छे से टाई लगा के एक अच्छी सी फोटो क्लिक कर लेना। और इसके अलावा और कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके लिए और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट देके अपने सजेशन जरूर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सारी जॉब्स की अपडेट मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।